24 अगस्त 1999 यूनी एयर फ्लाइट 873 90 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स के साथ टाइपे सोंगचेन एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाला था। ये फ्लाइट एक शॉर्ट फ्लाइट थी, करीब 20 से 25 मिनट की। MD-90 मॉडल का ये एक आधुनिक प्लेन था जिसे महज 4 साल पहले ही लॉन्च किया गया था। कुछ ही मिनटों बाद ये प्लेन अपने मंजिल तक भी पहुंच गया। पायलट अब एयरपोर्ट में लैंडिंग करने के लिए प्रिपेयर करने लगे, लेकिन अब भी प्लेन की ऊंचाई थोड़ी अधिक थी, इसलिए ये प्लेन रनवे से थोड़ा सा आगे जाकर लैंड किया। लेकिन समस्या ये नहीं थी क्योंकि रनवे की लंबाई बहुत अधिक थी। अगर ये रनवे के आगे भी टच डाउन कर रहा है तो रनवे इतनी लंबी थी कि आसानी से ये रुक जाता। जैसे ही ये प्लेन रनवे से टच डाउन किया, पायलट ने रिवर्स थ्रस्ट को ऑन कर दिया। ये रिवर्स थ्रस्ट प्लेन को धीमा करने की कोशिश करता है। ये प्लेन अभी रुका भी नहीं था कि पायलट्स को पीछे से एक धमाके की आवाज सुनाई दिया। इस धमाके के साथ ही चीखने चिल्लाने की आवाजें भी सुनाई देने लगी। यात्रियों में हड़कंप मच गया। कैसे भी करके जल्दी से प्लेन से बाहर निकलने की। एक पूरी तरह से बंद विमान आग के चपेट में आ चुका था। प्लेन अभी ठीक से रुका भी नहीं था और तेज आग ने प्लेन के इलेक्ट्रिसिटी को भी कट कर दिया। अचानक से कॉकपिट में अंधेरा छा गया। सारे यात्री डोर की ओर भागने लगे ताकि जल्दी से जल्दी बाहर निकला जा सके। धुएं के कारण ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था और न ही ठीक से सांस ली जा रही थी। कुछ ही सेकेंड्स में प्लेन रुक गया। सारे यात्री जल्दी जल्दी प्लेन से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। यात्रियों को बाहर निकालने के बाद कैप्टन चीख चीख कर आवाज लगाता रहा कि क्या कोई अब भी प्लेन के अंदर मौजूद है। यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने के बाद कैप्टन सबसे आखिरी में प्लेन से बाहर निकले। विशालकाय प्लेन में लगातार पानी डालने के बाद आग की लपटें शांत हो गई। फायर फाइटर्स तुरंत ही प्लेन के अंदर दाखिल हो गए, ये देखने के लिए कि कहीं कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं जो भागदौड़ में गिर गया हो। खुशी की बात तो ये थी कि उन्हें एक भी पैसेंजर्स ऐसा दिखाई नहीं दिया, यानी कि सभी पैसेंजर्स प्लेन से बाहर निकलने में कामयाब हो चुके थे। सारे घायलों को हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया गया। करीब 27 लोगों को गंभीर चोटें आई, जिनमें से एक की मौत हो गई। इन घायलों में से एक गर्भवती महिला भी थी जिसके कोख में पल रहे बच्चे को बचाया नहीं जा सका। ये हादसा और भी भयानक रूप ले सकती थी। अगर ये धमाका हवा में हो जाती तो शायद सभी लोग मारे जाते, पर होने को कुछ और ही मंजूर था। घटना के अगले ही दिन ब्लैक बॉक्स को डिकोड करने के लिए भेज दिया गया। दूसरी ओर इन्वेस्टिगेशन की टीम प्लेन के अंदर सुराख ढूंढने में लगे हुए थे। प्लेन का छत पूरी तरह से तबाह हो चुका था। छोटी सी छोटी चीजों को बारीकी से समझने के बाद भी प्लेन में बॉम्ब ब्लास्ट का कोई भी सबूत नहीं मिला। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि ब्लास्ट नहीं हुआ। इन्वेस्टिगेशन की टीम सारे पैसेंजर से पूछताछ करने लगी और क्रिमिनल रिकॉर्ड जांचने लगी। सारे यात्रियों से जब धमाके का लोकेशन पूछा गया तो सभी का जवाब यहाँ पर लगभग एक सा था। आग की लपटें आगे से पीछे की ओर आ रही थी, मतलब हो ना हो धमाका आगे की ओर ही हुआ होगा। अब इन्वेस्टिगेशन की टीम ब्लैक बॉक्स में सुराग ढूंढने की कोशिश करने लगी। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर से ये खुलासा हुआ कि प्लेन में सब कुछ नॉर्मल था। धमाके से एक सेकेंड पहले किसी को भी ये अंदेशा नहीं था कि यहाँ पर कोई धमाका भी होने वाला है। सुराग के नाम पर सिर्फ एक तेज आवाज थी, आवाज धमाके की, जिसे कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ने भी रिकॉर्ड कर लिया। फ्लाइट 873 में धमाके की तुलना अलग अलग धमाके की आवाज से कंपेयर किया जाने लगा, लेकिन एक भी आवाज उस धमाके से मैच नहीं किया। अब शक इस बात की ओर आने लगा कि प्लेन में कोई विस्फोटक सामान तो लेके नहीं गया था। आखिर ऐसा कौन सा सामान हो सकता है जो सिर्फ 20 मिनट के फ्लाइट्स के दौरान ही फट जाए। अब एक बार फिर से जले हुए राख के बीच धमाके की वजह के बारे में तलाश किया जाने लगा। इसी दौरान इन्वेस्टिगेशन की टीम को एक अजीब चीज मिली। ये एक बोतल था जो धमाके से महज कुछ ही दूरी पर था। ये बोतल जला नहीं था, लेकिन फिर भी इसके दो टुकड़े हो चुके थे। इस टुकड़े से गैसोलीन की गंध आ रही थी, जबकि वो बोतल गैसोलीन का था ही नहीं, बल्कि वो एक ब्लीच का बोतल था। इन्वेस्टिगेशन की टीम को अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर प्लेन में हो क्या रहा था। किसी भी प्लेन में गैसोलीन को ले जाने की अनुमति नहीं दी जाती, तो फिर ये गैसोलीन का बोतल प्लेन के अंदर कैसे पहुंच गया। इसका जवाब पाने के लिए एयरपोर्ट के सीसीटीवी कैमरास को चेक किया जाने लगा।
सीसीटीवी कैमरे ने भी एक बहुत बड़ा खुलासा किया। एक पैसेंजर अपने बैग में 6 बोतल्स को भर के ले जा रहा था, जिसमें से गार्ड ने 4 बोतल को अपने कब्जे में ले लिया। बाकी के 2 बोतल को उसने देखा, पढ़ा, लेकिन उन्होंने सूंघा नहीं, इसलिए उन्हें ये पता नहीं चला कि दरअसल इन ब्लीच के बोतल्स में गैसोलीन डाला गया है। तुरंत ही उस गार्ड को पूछताछ के लिए बुलाया गया। उसने कहा कि इसमें ब्लीच लिखा हुआ था और उस यात्री ने भी कहा कि हम अपने नए घर की साफ सफाई के लिए इस बोतल को ले जा रहे हैं। उस यात्री ने इतने सफाई से कहा कि मुझे यकीन हो गया कि वाकई में बोतल में ब्लीच ही होगा, न कि कोई गैसोलीन, इसलिए मैंने सूंघ कर देखा नहीं और उसे जाने दे दिया। अब पुलिस की एक टीम तुरंत ही उस यात्री के घर पहुंच गई। वो शख्स था को चीन सुई, को एक जाने माने हस्ती थे। उन्होंने एशियन एथलीट्स चैंपियनशिप में 6 बार मेडल जीता। पुलिस अब को के खिलाफ कार्रवाई करने लगी। उधर इन्वेस्टिगेशन की टीम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर बोतल में गैसोलीन था तो क्या इसमें विस्फोट हो सकती है। जी हाँ, विस्फोट हो सकती है। अगर इस बोतल में लीकेज हो और वहीं कहीं आसपास शॉर्ट सर्किट हो जाए, ऐसे कंडीशन में आग लग सकती है और ये आग तेज धमाके का रूप ले सकती है। लेकिन इस मॉडल के प्लेन में कोई भी ऐसा वायर मौजूद नहीं था जो लगेज के पीछे से होकर जाता हो, यानी कि बोतल में लीकेज होने के बावजूद भी आग लगने की संभावना तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो फिर ये आग लगी तो कैसे लगी? जब प्लेन में धमाका हुआ तो बहुत सारा प्लेन का मलबा रनवे पर ही गिर गया। इसी मलबे में इन्वेस्टिगेशन की टीम को 12 वोल्ट का एक बैटरी मिला, जिसमें दोनों टर्मिनल्स के तार खुले हुए थे। 12 वोल्ट के दोनों टर्मिनल को अगर टच करा दिया जाए तो स्पार्क क्रिएट होगा और इतना स्पार्क काफी होगा गैसोलीन में आग भड़काने के लिए। इस 12 वोल्ट के बैटरी को गैसोलीन के आसपास ही रखा गया होगा। टेक ऑफ से पहले जब सारे सामान को लोड किया गया, तभी से गैसोलीन के बोतल में लीकेज हो रहा होगा और लगातार 20 से 25 मिनटों तक गैस फैलने के बाद जब प्लेन लैंड करने के लिए रनवे से अलाइन हो गया, तब ये प्लेन जरूरत से अधिक ऊंचाई पर था, जिससे प्लेन को लैंडिंग करने के दौरान थोड़ा सा झटका लगा। ये झटके तो नॉर्मली आम होती है, लेकिन इस झटके ने बैटरी को हिला दिया होगा और खुली तार में हुआ होगा एक स्पार्क। उधर लीकेज हो रहे गैसोलीन की बोतल 20-25 मिनट में पूरा फैल गया होगा और गैस बनकर बैटरी तक भी पहुंच गया होगा और फिर हुआ होगा एक जोरदार धमाका। महीनों के इन्वेस्टिगेशन के बाद, सारे सबूतों को परखने के बाद, इन्वेस्टिगेशन की टीम ने यही एक तर्क रखा कि हो ना हो प्लेन के अंदर कुछ ऐसा ही हुआ होगा, पर इस बात का कोई भी ठोस सबूत नहीं मिल पाया। इन्वेस्टिगेशन की टीम ने इसे एक संभावित घटना करार दिया और एक लंबे समय से चलने वाली जांच को बंद कर दिया गया। उस बैटरी को कौन ले जा रहा था, इस बारे में भी कुछ पता नहीं चल पाया। को चीन सुई का केस सालों तक चलता रहा। इन्वेस्टिगेशन के खत्म होने के बाद भी इसके बाद कई सालों तक कोई भी पुख्ता सबूत ना मिलने की वजह से उसे निर्दोष करार दे दिया गया। घटना की असल वजह क्या थी, ये आज भी कोई नहीं जानता। बस इतना पता है कि एयरपोर्ट में अगर सुरक्षा के कड़े नियम होते तो शायद ये घटना कभी नहीं होता, उस बच्चे की मौत नहीं होती जिसने अपना पहला कदम धरती पर रखा भी नहीं था। फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।